अगर आप लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को खेलते हो या फिर जो पबजी मोबाइल ग्लोबल है उसे खेलते हो और आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और बार बार आपको फ्रेंड ड्रॉप देखने को मिलता है और आप लोग अच्छे से अपने गेम को नहीं खेल पाते हो, आपका गेम जो है स्मूथ नहीं चलता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके माध्यम से आप लोग अपने गेम को पूरा स्मूथ खेल सकते हो, पूरा स्ट्रीम खेल सकते हो, 60, 30, 90 FPS तक खेल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ क्या क्या उसका सेटिंग है, कैसे खेलते हैं और कैसे उस एप्लीकेशन में उस सेटिंग को अप्लाई करके आप लोग गेम को खेलोगे कि आप लोगों का पूरा जो गेम है एकदम स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो मेरा नॉर्मल अभी सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा ग्राफिक्स है वो भी दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो HD और अल्ट्रा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे स्मूथ करता हूँ तो मुझे एक्सट्रीम तक मिलता है। तो जिन लोगों का 3:32 होगा, 4:64 होगा, उन लोगों को एक्सट्रीम नहीं मिलता होगा या फिर बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिन लोगों को मिलता भी होगा लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गेम अटकता होगा, तो मैं आपको इस एप्लीकेशन में बताऊँगा कि 60 FPS 90 FPS तक आप लोग यहाँ पर आपका जो फ्रेम रेट है वो मिलने वाला है और ग्राफिक जो है एकदम स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक TDM ओपन करके दिखा देता हूँ कि अभी जो है कितना घटिया दिख रहा होगा आपको और कितना अटक अटक के चलेगा यहाँ पर। उसके बाद मैं जब उस एप्लीकेशन में जो जो सेटिंग है उस सभी को अप्लाई करूँगा, उसके बाद जो मेरा गेम होगा वो भी आप लोग देख सकते हो। और यही वीडियो को जो प्रोसेस मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उस प्रोसेस के साथ अगर आप लोग उस गेम को खेलोगे तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हो कि आप लोगों को कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। यहां आप लोग देख के कुछ नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आप लोग देख सकते हो, यहां पे आप लोग देख रहे हो कि कितना मतलब ज़्यादा यहाँ पे अटक रहा है पूरा गेम ठो और कितना अजीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पे सामने मारने के लिए भी आते हो तो सामने वाला जो है वो आपको पीट के चला भी जाएगा और आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मान लो कि आप लोग अरे हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे ही मारते हो तो ऐसे ही मर जाओगे क्योंकि आपका जो गेम है वो स्मूथ नहीं चल रहा होगा। तो चलिए अब जानते हैं उस सेटिंग्स को, क्योंकि गेम खेलेंगे और आप लोग देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप लोग भी समझ जाओगे कि किस लेवल का मैं प्लेयर हूँ। तो ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत बड़ा कंकरर प्लेयर हूँ। चलिए आगे वाला बात हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या सेटिंग करना होता है और उसके बाद जो गेम चलता है कैसा चलता है। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर जो है उसे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है GFX टूल फॉर VGMI और यहाँ पे जो सेकेंड नंबर आपको दिख रहा है GFX टूल फॉर VGMI एंड PUBG नो बैन एंड नो लैग, इसको आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है, VGMI 1.5.x एंड PUBG 1.5.x सपोर्टेड, पोटैटो ग्राफिक्स सपोर्टेड, 90 FPS सपोर्टेड और माइनर बग फिक्स्ड। कुछ ऐसे बग होते हैं उन सभी बग को भी यहाँ पे फिक्स किया गया है और GFX टूल का जो फीचर है उसको भी जान लेते हैं किस किस में सपोर्ट करता है। तो एंड्रॉयड 11 में सपोर्टेड है, ऑल वर्जन सपोर्टेड है और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, आप लोग आओगे तो देख लोगे, इतना कुछ देखने का ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस जो है दिखाता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो आपका जो मेमोरी यूज है वो भी बताता है, इंटरनल फ्री जो मेमोरी है वो भी आपको शो करता है, पिंग जो आपका कितना पिंग अभी मिल रहा है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी कितना का पिंग चल रहा है, बैटरी लेवल और फ़ोन का जो हेल्थ है, जो बैटरी हेल्थ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टोरेज जो है वो भी दिख जाएगा आपको, रैम कितना अवेलेबल है वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है GFX का, तो आप लोगों को GFX पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली अलाउ कर देना है और सबसे पहले अपना जो वर्जन है वो चूज कर लेना है। अगर आप लोग VGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 1.5 जो अभी अपडेट आया वो खेल रहे हो तो आपको उससे सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग ग्लोबल जो खेलते हो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, अगर PUBG KR खेलते हो तो उसके लिए तीसरा, ऐसे ही करके और जो दो मतलब अलग अलग जगह के जो PUBG के मतलब सारे जो हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वियतनाम का भी है और सब यहाँ पे
तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना BGMI या ग्लोबल या फिर केयर जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको रिजोल्यूशन है इसको सिंपली छोड़ देना है आपको, और यहाँ पे आप लोग ग्राफिक्स में आके आप लोगों को स्मूथ को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो पोटैटो ग्राफिक्स है वो ओनली वर्क जो लो रिजोल्यूशन होता है उस पर काम करता है, तो आप लोगों को वो करने का ज़रूरत है नहीं। फ्रेम रेट आपका अगर फ़ोन 464 है तो आप लोग 60 FPS तक कर सकते हो, अगर आपका 6128 रैम अच्छा है तो आप लोग 90 FPS तक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी है, जो अगर आपको हाई मिलता है तो आप लोग हाई कर लो, अल्ट्रा मिलता है तो आप लोग अल्ट्रा कर सकते हो। जो मतलब थोड़ा सा बढ़िया बजट वाले डिवाइस हैं वो लोग अपना अल्ट्रा करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टैप टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, रन गेम पे क्लिक कर देना है। रन गेम पे क्लिक करते ही गेम जो है आपका स्टार्ट होने लगेगा। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो गेम यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग सिंपली सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आप लोग ग्राफिक्स यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो 90 FPS तक यहाँ पे ओपन हो गया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको स्मूथ कर देना है, और मैं यहाँ पे 90 FPS करके ओके पे क्लिक करता हूँ। जो अभी मेरा फ्रेम रेट है वो सभी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे सिंपली एक PDM स्टार्ट करके देख लेते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है और कैसा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोगों को 8 सेकंड तक वेट करना है। और यहीं पे आप लोग मेरा प्रो गेम प्ले भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोगों को ग्राफिक्स है कितना अच्छा मिल रहा है और सब कुछ कितना ज़बरदस्त चल रहा है। तो आप लोग इस GFX का यूज़ करके आसानी के साथ देख रहे हो प्रो गेम प्ले, मतलब बहुत ही बेहतरीन खेलने लगे हो आप लोग। हे बाप रे, ये तो M24 लेके आया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर से इस पर मारेंगे, इस पर थोड़ा सा ये लोग बहुत ज़्यादा प्रो हो जाते हैं तो ये दिक्कत। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, अपना भी हम दिखा देते हैं आपको कितना बढ़िया है। खैर, हमको गेम प्ले तो दिखाना है नहीं, आप लोगों को दिखाना था कि कितना ज़्यादा चेंजेस आते हैं यहाँ पे। देखा तो बहुत ही उरे हेडशॉट मारता हूँ मैं भी। अरे देख रहे हो, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेम रेट, बहुत अच्छा ग्राफिक सब कुछ पा सकते हो। कोई भी इशू और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। अरे 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 भाई साहब, हाँ, नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। थोड़ा सा इसको रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे 9 में से 4 हम ही, अरे 9 में से 4 हम ही मारे हुए हैं। अबे यार M4 चलाओ ना, अबे कैच कर ले। ओहो, शॉट देख रहे, शॉट देख रहे, बस देखते जाओ, रिलोड रिलोड। अरे अरे अरे, जो देखो यही दिक्कत होता है कोई। हाँ, देखो देखो कितना बेहतर चल रहा है। आप लोग बस इस एप्लीकेशन का यूज़ करो, एकदम मक्खन चलेगा, मक्खन मतलब जो मक्खन वो। अरे सच, मार दिया। तो आप लोग शुरू में जब हम मरे होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि हम बहुत बड़े फिर हैं, लेकिन देख सकते हो कितने बड़े नूब हैं हम। गलती से एको दुगो हेडशॉट चपका देते हैं हम भी। अरे 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 चचा, तो इतना गेम प्ले देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब हम अच्छा खेल नहीं पाएंगे। जितना था सब कुछ दिखा दिया आप लोगों के स्किल। तो अब यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करो और आसानी के साथ आप लोग अपना गेम खेलो, बहुत ही बेहतर गेम चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इस एप्लीकेशन को आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैंने सेटिंग बताया, एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और जब दिमाग में बैठ गया तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे PUBG में बैठाना है, BGMI में बैठाना है, या फिर KR खेलते हो तो KR में बैठाना है। उसके बाद से नॉर्मल आपको अपना गेम खेलना है, और मेरे जैसा हेडशॉट मारने का कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ख़तरनाक M24 चलाता हूँ। तो वैसा कुछ कोशिश मत करना, नहीं तो आप लोग ही प्रो बन जाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने प्रोसेस बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।